आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी विषय के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को जानना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटकों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद जी के दो ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से हैं? तो पहली नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक है। और दूसरा नाटक कौन सा है? स्कंदगुप्त। आपको याद करने में भी आसानी होगी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद जी के दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। और यदि पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के नाम लिखिए, तब भी आप इन दोनों का नाम लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोदान, गोदान, गबन, गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन। गोदान, गबन, निर्मला और सेवा सदन। याद करने में भी आसानी होगी यदि आप इसी क्रम में लिख लेंगे, गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास हैं। और यहां से प्रश्न जरूर बन जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए इस प्रश्न को भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहां पर है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। और यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। अमृत राय जी की रचना है, आप ध्यान दीजिएगा। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। और यह किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। और कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो उत्तर हो जाएगा कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, आप ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं काफी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, यानी इस रचना में किसके जीवन के बारे में दर्शाया गया है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। और कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। और कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी विधा की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा। और अगला प्रश्न है, किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम बताइए। किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम बताइए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर मैं आपको जानकारी के तौर पर दे सकता हूं कि श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, डॉक्टर राजन प्रसाद और बाबू गुलाब राय तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, ये श्रेष्ठ आत्मकथा लेखक हैं। ये क्या हैं? श्रेष्ठ आत्मकथा लेखक हैं। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, चाहे आप डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिख दें, चाहे आप डॉक्टर राजन प्रसाद लिख दें, चाहे आप बाबू गुलाब राय लिख दें। तो मैं इस प्रश्न के उत्तर में आपको सलाह दूंगा कि आप चाहे बाबू गुलाब राय भी लिख देंगे तो भी राइट आंसर हो जाएगा। बाबू गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं, जो कि आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। तो किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम बताइए, बाबू गुलाब राय। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा
हिंदी की प्रमुख संस्मरण लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी, और इनका जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने उपलब्ध करा दिया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी एक रिपोर्ट तार्ज लेखक का नाम लिखिए। ये टॉप 10 प्रश्न 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न परीक्षा में जरूर आते ही आते हैं और आएंगे भी। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और यहां से प्रश्न आना ही आना है। किसी एक रिपोर्टार्ज लेखक का नाम बताइए, तो उत्तर क्या हो जाएगा, किसी एक रिपोर्टार्ज लेखक कौन है, यहां पर आप उत्तर लिख सकते हैं विष्णु प्रभाकर हैं और प्रभाकर माचवे हैं। विष्णु प्रभाकर या प्रभाकर माचवे आप कोई भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख दूंगा विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर रिपोर्टार्ज लेखक हैं। और अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी एक एकांकीकार का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को हिंदी का प्रमुख एकांकीकार माना जाता है। किसे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। और इनकी प्रमुख एकांकी कौन सी है? दीपदान। दीपदान काफी ज्यादा प्रसिद्ध एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन हैं? मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न क्या है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम बताइए। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ में किया था। और सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से आरंभ हुआ था, तो जानकारी के तौर पर आप लिख लीजिएगा सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ होता है। और सरस्वती पत्रिका का संपादन यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब से प्रारंभ किया, यानी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने, सन 1903 ईस्वी से, जो कि द्विवेदी युग से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। तो यह प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे। श्याम सुंदर दास जी थे। और सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, और सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी से प्रारंभ किया। किस युग से? द्विवेदी युग से। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जी हां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, आप लिख लीजिएगा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। और आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं, याद कर लीजिएगा आप। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो इस वीडियो को आप मित्रों में शेयर करें, इन क्वेश्चनों को जो मैंने आपको करवाए हैं इन्हें आप नोट कर लीजिए, इनका आंसर नोट कर लीजिए।
साथ ही आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपको इसी तरह के वीडियो उपलब्ध कराता रहूं और आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 की बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी कराता रहूं। तो चलिए, आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, इन प्रश्नों को आप लिख लेंगे, उत्तरों को भी आप लिख लेंगे और मैं अगली वीडियो में इसी तरह के टॉप 10 प्रश्नों को लेकर आऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जय हिंद।